नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। महाविकास अघाड़ी सत्ता जाने के बाद से भ्रमित हैं। सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे और एमवीए नेताओं पर हमला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में विपक्षी महाविकास अघाड़ी करीब 2 साल पहले सत्ता जाने के बाद से भ्रमित है। कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को एक अलग श्रेणी के तहत 10% आरक्षण दिया था, लेकिन इस कदम की सराहना करने के बजाय विपक्ष कह रहा है कि आरक्षण कानून अदालतों में नहीं टिक पाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में विपक्षी महाविकास अघाड़ी करीब 2 साल पहले सत्ता जाने के बाद भ्रमित है। कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को एक अलग श्रेणी के तहत 10% आरक्षण दिया था, लेकिन इस कदम की सराहना करने के बजाय विपक्ष कह रहा है कि आरक्षण कानून अदालतों में नहीं टिक पाएगा। हिंगोली जिले के वसमत में सत्तारूढ़ महायुति के लोकसभा उम्मीदवार बाबूराम कदम के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना प्रमुख ने एमवीए नेताओं और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। शिंदे ने आदित्य ठाकरे का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीति में उनसे आधी उम्र के कुछ नेताओं ने एक किसान के पुत्र के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन वह अपने काम से इन आलोचनाओं का जवाब देंगे। पहले विपक्ष कहता था कि महायुति सरकार गिर जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।